हिसार में कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र व आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा गया। विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि किसानों की मांग पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह उनकी जगह होते तो 1 मिनट भी इस्तीफा देने में देर नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए काला कानून लागू किया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसानों के साथ है। इस भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों पर अत्याचार किए हैं, उन्हें दबाने का प्रयास किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायिक सदस्य हरपाल बुरा ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, किसानों व आढ़तियों के पक्ष में समर्थन किया है। उन्होंने किसानों के लिए 3 अध्यादेश लागू किए गए जो कि किसानों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर किए गए हैं। जींद में अध्यक्ष कुमारी शैलजा व सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कैथल में रणधीर सुरजेवाला, भिवानी में किरण, रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के पुत्र व आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया और किसानों के अध्यादेश के खिलाफ अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये काला कानून लागू किया है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसकी निंदा करती है। पर जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र की हत्या हुई, उसको मैं काला दिन कहूँ तो गलत नहीं। देश के पूरे किसानों के साथ पूर्ण रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी ने साथ करी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उनकी जगह अगर मैं होता तो 1 मिनट नहीं लगाता इस्तीफा देने में। आज जिन किसानों ने BJP के विधायक बनाए हैं उनको 1 मिनट भी उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनको थोड़ी भी नैतिकता हो उनके अंदर तो उनको अब तक इस्तीफा दे दें। हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़े हैं, हम सभी लोग हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, करेंगे भी। लेकिन सरकार जब तक किसानों की मांगे सही नहीं करती उस वक्त तक हम किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रदर्शन किया है किसानों के, व्यापारियों के, आढ़तियों के पक्ष में। ये क्या है कि इन्होंने 3 बिल पहले अध्यादेश जारी किए थे 5 जून को, अब उन कल वो विधेयक पास हो गए। वो क्या है कि किसान अब अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है और वो आढ़ती को भी नुकसान होगा, आढ़त को आढ़त नहीं मिलेगी। और चंद पूंजीपति जाकर के काम में से जो जींस खरीदेगा उनका पैसे की गारंटी कौन लेगा? और जो MSP कहते हैं ना, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका 80% लोगों को दिए नहीं पता समर्थन मूल्य क्या होता है। हमारी किसानों की एक मांग है, बिल बनाए, बिल का हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें ये है कि जो स्वामीनाथन ने 122 सिफारिशें की हैं उनमें से एक सिफारिश C2 फार्मूला है। उसका क्या है, किसान की कुल लागत निकाल करके लागत पे MSP पे जो निर्धारित करती है उससे 2 गुना अधिक मूल्य दिया जाए और समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब MSP बनाया तो उसकी गारंटी दी गई थी। अब कपास का ले लो, समर्थन मूल्य 5512 रुपये है, वो 4400 बिक्री है, तो समर्थन मूल्य कहाँ रहा? दूसरा ये है कि ये स्टॉक की सीमा खत्म कर दी दूसरे कानून के अनुसार। स्टॉक सीमा जब खत्म हो जाएगी तो व्यापारी कितना स्टॉक करे? किसान के पास जब खाद्य पदार्थ, तेल, प्याज, आलू, टमाटर रहेंगे तब तक तो वो रहेगा सस्ता, व्यापारी स्टॉक कर जाएंगे फिर उसका कालाबाजारी होगी। तीसरा अध्यक्ष है वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें पूंजीपति लोग लगा करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, किसान को ठगे जाएंगे और किसान की जो ना खेती करने का मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये इसमें ऐसा है कि जैसे सिमरत कौर जी ने जो अकाली दल तो सबसे बड़ा, सबसे पुराना इनका गठबंधन का साथी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, उसने इस्तीफा इसलिए दिया कैबिनेट रैंक से कि ये किसान विरोधी है। चौधरी देवीलाल का ये नाम लेता है और चौधरी देवीलाल का अनुसरण करना है
तो फिर ये जो ना उसको कुर्सी पे क्यों छुपका बैठा है, और जब उसकी जोगीराम सियाग ने और एक दूसरा राम कुमार गौतम ने भी ये कहा है फिर इनके खिलाफ कोई बात होगी तो हम इसका इस्तीफा दे देंगे, हम मैं इस्तीफा देने के लीडर कुर्सी छुपका बैठा है, तो इसलिए अपनी साख बचानी है, जनता मेरे ना किसानों की राजनीति करनी है, तो इसने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, रहेगा आपका नाम। आज कांग्रेस पार्टी का धरना रखा हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा तीन जो नए अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है जिसके विरोध के अंदर ये कांग्रेस पार्टी का धरना है, ये तीनों अध्यादेश देश के किसान आड़ती मजदूर विरोधी फरमान है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, हरियाणा की मंडियां बर्बाद हो जाएगी और मजदूर सड़कों पर आ जाएगा, ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है, इसका कांग्रेस पार्टी डट के विरोध कर रही है और डट के विरोध करेगी, कांग्रेस पार्टी हर आंदोलन में किसान आड़ती मजदूर के साथ खड़ी है, और जब तक केंद्र सरकार ये तीनों अध्यादेश वापिस नहीं लेती या इसमें संशोधन करके ये नहीं लिखती कि भी किसान की फसल एमएसपी के दाम से कम नहीं खरीदी जाएगी और अनाज मंडी के माध्यम से ही किसान की फसल खरीदेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और 25 तारीख को भारतीय किसान यूनियन ने भी राष्ट्रीय व्यापक बंद का आह्वान किया हुआ है और कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन है, और हरियाणा की मंडियां 4 दिन से लगातार से आड़तियों ने हड़ताल रखी हुई है, जो अनिश्चितकाल हड़ताल है, हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये तीन अध्यादेश केंद्र सरकार संशोधन नहीं करती। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।